तो बेसिकली ये जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इसमें रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये तो जानते ही हो, सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस बोलते हैं, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी और ए वर्टेक्स के अपोजिट वाला लेंथ को स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाला लेंथ को स्मॉल बी और सी वर्टेक्स के अपोजिट वाला लेंथ को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, है ना। तो यहां से जो सेमी पेरीमीटर होता है एस, इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। लिखते कि नहीं लिखते हैं बोलो, यस है ना, हमेशा याद रखना ए वर्टेक्स, ए वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाले को स्मॉल बी एंड सी वर्टेक्स के अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता है, टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और एस जो हो गया सेमी पेरीमीटर हो गया। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन लॉ, साइन लॉ। इसमें क्या होता है, ए बी सी, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ए डिवाइड बाई साइन ए इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इक्वल टू स्मॉल सी डिवाइड बाय साइन सी। ठीक है, यानी ए वर्टेक्स के और जो अपोजिट वाला एंगल है वो कितना है, ए है तो साइन है, ए बाई साइन है। बी के अपोजिट में कौन सा, स्मॉल बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बी है, साइन बी और सी डिवाइड बाय साइन सी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है बोलो। यस सर। अब ये कहां से आ रहा है, इसका प्रूफ देख लो। अगर ये डी अल्टीट्यूड है ना, तो हम अगर ट्राइंगल ए बी डी को अगर लिया जाए, ट्राइंगल ए बी डी दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में हम लिख सकते हैं, देखो तो साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ए बी, है ना। तो वी कैन राइट साइन बी इक्वल टू ए डी, ए डी, ए डी डिवाइड बाय ए बी, ए बी कितना है, स्मॉल सी, है ना। तो यहां से आ जाएगा ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल सी साइन बी, आया कि नहीं आया बोलो। yes, इसी तरह से ट्राइंगल ए डी सी, ये भी कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ए डी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग साइन सी लिखेंगे, साइन सी का वैल्यू लिखोगे ए डी डिवाइड बाई ए सी, तो यहां से ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी साइन सी, यानी स्मॉल बी साइन सी। अब दोनों एडी एडी इक्वल हो जाएगा, दोनों एडी एडी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी स्मॉल बी साइन सी इक्वल टू स्मॉल सी साइन बी। जब डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा स्मॉल बी डिवाइड बाय साइन बी इक्वल टू स्मॉल सी डिवाइड बाय साइन सी। बोलो आया कि नहीं आया। yes, इसी तरह से यहां से भी अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे इसी तरह से तो वो भी फिर इसी तरह का रिजल्ट दे देगा, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं सिमिलरली
तीन एल्टीट्यूड में से कोई भी दो को यूज करोगे इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं a बाई साइन ए बाई साइन ए इक्वल टू स्मॉल बी डिवाइड बाई साइन बी। तो अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। क्लियर है? कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, सबके लिए वैलिड है ना। कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ, ए बी सी, ये वाला स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल सी, ये बी, ये वाला स्मॉल सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हम क्या लिख सकते हैं, तीन फॉर्मूला हमारे पास में। पहला कॉस ए, यानी कॉस का ये वाला एंगल, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी। ध्यान से देखो फॉर्मूला को, इसी तरह से कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये एंगल बी है तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए सी। इसी तरह से कॉस ऑफ सी, एंगल सी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए बी, ठीक है। तीन फॉर्मूला है, दिख रहा है? पहला वाला कॉस का, अगर ए एंगल को लेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी। इसी तरह से अगर एंगल बी को लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू ए इंटू सी। इसी तरह से अगर सी वाले एंगल को लेंगे तो सी के अटैच में ए और बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए बी, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख लो, तो हम यहां से अगर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया ए डी, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया ए डी है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर हम लिख दें ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, बोलो है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, अच्छा बी डी को लिख सकता हूं बी सी माइनस सी डी, बी डी को लिख सकता हूं बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू इंटू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू कितना हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी, अच्छा अब क्या कर सकते हैं यहां पर मैं, ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, अच्छा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप देखो यहां से ध्यान से, ये वाला ए डी स्क्वायर और ये वाला सी डी स्क्वायर दोनों को मर्ज कर सकते हैं एक तरह से, ये वाला ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए डी सी, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं इक्वल टू
एसी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, ए सी भी हो गया और बी सी हो गया, है ना, माइनस टू बी सी इंटू, अच्छा सी डी, सी डी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल ए डी सी में अगर हम ऐसे लिख दें कॉस ऑफ सी, यानी कॉस का ये वाला एंगल, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये बेस है और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, है ना। तो कॉस सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, सी डी डिवाइड बाई ए सी, सी डी डिवाइड बाई ए सी, है ना। तो सी डी को लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं बी सी इंटू ए सी इंटू कॉस सी, कॉस सी, और ये हो गया ए बी स्क्वायर। तो सबका वैल्यू रख दो, ए बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ए बी स्क्वायर मतलब हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए सी यानी टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ सी। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी। आया कि नहीं आया, तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद हो चाहे नहीं हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है लेकिन एप्लीकेशन पूछता है, किसी किसी जगह पे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी में बी प्लस सी डिवाइड बाय 11 इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइड बाय 12 इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 13, ठीक है। देन प्रूव दैट कॉस ए डिवाइड बाय 7 इक्वल टू कॉस बी डिवाइड बाई 19 इक्वल टू कॉस सी डिवाइड बाई 25। देखो कहीं भी अगर इस तरह का ए बी सी का रेशियो दिखे और कॉस दिखे, इसका मतलब है कोसाइन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, कोसाइन फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करो, यहां पर मैं हम लिख सकते हैं बी प्लस सी, अगर इस, अगर इन सबको k मान लिया जाए, मान सकते हैं k, b प्लस सी सबको बराबर k मान लिया, तो b प्लस सी कितने के बराबर हो गया, 11 के, c प्लस a कितने के बराबर हो गया, 12 के, और a प्लस b कितने के बराबर हो गया, 13 के। अब तीनों को ऐड कर दो, अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये कितने के बराबर हो गया, 13 प्लस 12 25 प्लस 11 36, यानी a प्लस बी प्लस सी ये कितने के बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 7 के, a का वैल्यू 7 के, b का वैल्यू 6 के, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, और c का वैल्यू आ जाएगा 5 के, है ना। कितना गया 5 के, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18, ठीक है, ये आ गया। अब देखो cos a, cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। तो फटाफट वैल्यू निकालो, अच्छा k तो सब जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c यानी 36 प्लस 25 माइनस 49 डिवाइड बाई 2 इंटू बी सी, बी सी मतलब कितना हो गया 6 और 5 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो तो यहाँ पर मैं, ये हो गया तुम्हारा 36 प्लस 25 कितना हुआ
एक 61, 61 माइनस 49 यानी कितना हो गया 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 30 यानी ये तुम्हारे पास हो गया 6, 1 बाय 5, ये कितने कॉस एक कितने के बराबर हो गया 1 बाय 5, आया कि नहीं आया कॉस। इसी तरह से अगर कॉस भी निकालोगे तो ये तुम्हें आ जाएगा 19 डिवाइड बाय 35। क्या उसको सॉल्व करूं या हो जाएगा कॉस बी का वैल्यू कर लेना, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय जो फॉर्मूला बताया है ना। इसी तरह से कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी इसका भी वैल्यू निकालोगे जो फॉर्मूला बताया अभी, ये हो जाएगा 5/7 है ना। अब तीनों को देख लो, अब तुम्हें वो करना है, इसको रेशियो करना है, तो रेशियो करना है तो अब ये प्रूफ हो जाएगा है ना। ऐसा कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो कितना हो जाएगा ये 35 35 वो हो गया है ना। तो यानी कितना हो गया, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैं कॉस ए डिवाइड बाई, ये ऊपर वाला आ जाएगा डिवीजन में, कॉस ए डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कॉस बी में कितना है डिवाइड बाई 19, कॉस बी डिवाइड बाई 19 इक्वल टू कॉस सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25, आंसर आ गया, ठीक है। बोलो yes. तो बेसिक सवाल है ना, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट एंगल, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। चलो सॉल्व करो, तो 5 मिनट का टाइम है, 4 से 5 मिनट का। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। 2 मिनट का सवाल है ये, तो इधर में देख लो, ऐसा मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया इस तरह से साइड्स मान लिया 8, 10 और 12, किसी को ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो जो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो साइड का लेंथ ज्यादा होगा उसका ऑपोजिट वाला एंगल सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगा, जो साइड का लेंथ ज्यादा होगा उसका ऑपोजिट वाला लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि ट्राइंगल अगर तुम बनाओगे, खुद सोचो इस तरह से, अगर मान लो मैंने इसको इसको ज्यादा लिया, इसके बाद थोड़ा सा इसको लिया, अगर इस तरह का ट्राइंगल बना दिया और साइड को मैंने थोड़ा सा अगर ये कर लिया, ये मान लो 12 लेंथ है, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 8, तो सबसे ज्यादा कौन सा वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कौन सा वाला एंगल होगा, 8 के अपोजिट वाला, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट
और एंगल सी क्या हो जाएगा, लीस्ट। तो तुम्हें ये बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल को डबल प्रूफ करना स्मॉलेस्ट का। तो सबसे आसान क्या होगा, कोसाइन फॉर्मूला होगा, यानी कॉस अगर ए निकाल ले, कॉस ए कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 8 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 100 164 माइनस 144 यानी 20 डिवाइड बाय कितना हो गया 816 160, यानी कॉस ए का वैल्यू हो गया 1/8, कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया 1/8। अब मुझे सी को चेक करना है, तो कॉस सी को कितना लिखूंगा, कॉस सी, तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 144 यानी कितना हो गया 244 माइनस 64 यानी कितना हो गया 180, अच्छा 180 और डिवाइड बाय ये कितना हो गया 240 यानी 60 डिवाइड बाय 3/4 ये कितना हो गया 3/4 ये कितना हो गया 3/4। अब तुम्हें ये प्रूफ करना है, अच्छा ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, तो यहाँ तो कुर्सी को कितना लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको निकालो, अगर ये लिख दें कॉस ऑफ, बोलो बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं कॉस टू सी को कितना लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 2 9/16 माइनस 1 यानी कितना हो गया ये 18 माइनस 16 2/8 है ना 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस ए का वैल्यू 1/8 है और टू सी का भी वैल्यू 1/8 है, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, कॉस ए इक्वल टू कॉस ऑफ 2c, cos of a equal to cos of 2c, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से ये भी एंगल a equal to 2 times of angle c, है ना? इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल प्रूफ हो गया। बस ध्यान ये रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान ये रखना है कि जो साइड ज्यादा होगा उसके अपोजिट वाला लेंथ सबसे एंगल सबसे ज्यादा होगा, और जो साइड कम होगा उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये सिंपल ज्योमेट्री का ऑब्जर्वेशन है, 10th क्लास में 7th 8th में यही चीज पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर में रख दिया, और बस यूज किसका हुआ, कोसाइन का। क्लियर है? यस सर।